ब्रिज का हाईवे के ऊपर से। बस से अभी हम आए हैं कोयम्बटूर से रामेश्वरम, तो चलते हैं मंदिर की ओर। वेलकम टू रामेश्वरम। तो भाई ये है वे टू तीर्थाम बाथिंग। यहाँ से अंदर जाकर आप बाईस कुंड में नहा सकते हैं ₹25 दे करके। ये एंट्रेंस गेट है 22 कुंड का, और अंदर जाकर उधर मेन टेंपल है रामेश्वरम। बस हम लोग भी लॉकर में सामान रखते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो भाई ये सामने रहा रामेश्वरम टेंपल, आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। भाई मेरे तरह सोलो ट्रैवलर तो बहुत ही कम दिख रहा है हमको। एक वो भैया जो मिले थे, वो भैया साथ में ट्रैवल कर रहे हैं कोयम्बटूर से मेरे साथ। तो भाई यही पूरा व्यू है मंदिर का। ये सामने रहा मंदिर, यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू दर्शन। यहाँ पे एंट्रेंस गेट है मंदिर के अंदर जाने के लिए। के बाद 22 कुंड दर्शन करने के बाद अभी जा रहे हैं बिल्कुल आदि योगी के साथ अंदर मंदिर दर्शन करने के लिए। अंदर साइड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या सीन है अंदर का रामेश्वरम मंदिर के अंदर। तो चलते हैं, जा रहे हैं। आप लोग पहले बाहर से व्यू देखिए एक बार। उस समय तो हम पहुँचे ही थे, सवेरे सवेरे का टाइम था उस समय। फिर गए कपड़ा उपड़ा चेंज करके वहाँ पे कुंड में नहाए। 22 कुएँ का कुंड है। और फिर अभी आए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। फिर पीछे रहा हमारा ज्योतिर्लिंग में से एक हमारा रामेश्वरम तमिलनाडु में। काफ़ी लोग आए हुए घूमने के लिए। बस अंदर जाते हैं, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक होता है बाहर का ही दिखाते हैं आप लोगों को। बस वो एंट्रेंस गेट है मेन गेट, अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं तो हर हर महादेव। बस चलते हैं। आगे अंदर के बैठे हुए हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ है आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। वैसे तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी हल्का सा बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं क्योंकि भाई जब परमिशन नहीं है तो रस्ते क्यों ही करे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बस हम ही दर्शन करते हैं फिर निकलते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। ज़्यादा वीडियो अंदर शूट नहीं कर सकते। तो भैया और हम लाइन में खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। भैया कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस दर्शन करते हैं, बाईस कुंड का पूरा दर्शन कर लिया। कुआ में नहा लिया, अगर तो लाइन पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इधर भी पूरा भीड़ है। बस दर्शन करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोग एंटर कर रहे हैं मेन गेट, आप देख सकते हैं श्री रामेश्वरम, श्री रामेश्वर श्राइन मंदिर। वो सामने हाथी आपको दिख रहा होगा। तो भाई दर्शन करके अभी बैठ चुके हैं। हेलो भाई, कैसा लगा दर्शन करके? मजा आ गया, बहुत इंतजार करना पड़ा लेकिन आखिरकार दर्शन हुए। देख सकते हैं काफी भीड़ है भाई। सामने में ये है हमारा बाबा जी का स्टेचू। बस दर्शन हो गया, हम लोग बाहर निकलते हैं अब। काफी अच्छा लगा। हम सब निकलेंगे धनुषकोड़ी की साइड, वहाँ फिर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में धनुषकोड़ी का पूरा नज़ारा कैसा, लास्ट रोड ऑफ इंडिया। भाई ऐसा कोई नज़ारा है मंदिर के अंदर का, दर्शन करके बस अब
मेन गेट के बाहर निकलने वाले हैं। काफ़ी बड़ा नज़ारा वहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये दर्शन हो गया काफ़ी अच्छे से। 2 घंटा लाइन लगना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव थोड़ी ना आसानी से दर्शन नहीं है, इंतजार तो करना पड़ता है। हर हर महादेव, बस बाहर निकलो। तो सामने देख सकते हैं आप, धनुषकोड़ी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये नज़ारा बाहर से रामेश्वरम टेम्पल का देख सकते हैं पूरा। उधर से एंट्रेंस है मेरे पीछे रामेश्वरम मंदिर। तो दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दर्शन हो चुका है हम लोगों का। तो बस मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक नई डेस्टिनेशन के साथ मिलते हैं, एक नई जर्नी के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। तो भाई हो गया दर्शन महादेव का, तो बस अब निकलते हैं यहाँ से नई लोकेशन पे। तो अब देखने के लिए मिलेगा अलग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।